सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आप लोग जुड़े रहिए पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं ये थाना सदरपुर इलाके की हैं और एक बाग कटे की आम की जड़ों की हैं, जहाँ पर एक तरफ योगी सरकार प्रतिबंधित हरे भरे छायादार फलदार पेड़ों को कटान से वंचित कर रखा है और कड़े से कड़े उन पर कानून और नियम लगा रखे हैं, लेकिन सेम उसके ठीक विपरीत उल्टा दिखाई दे रहा है, जो कि स्थानीय पुलिस और वन विभाग के आला अधिकारियों की मिली भगत से रातों रात इन हरे भरे छायादार फलदार पेड़ों पर आरा चलाकर उनको लकड़कट्टों के द्वारा धराशायी किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार के नियम और कानून कायदे लागू नहीं होते, यहाँ पर तो सिर्फ स्थानीय पुलिस और ठेकेदारों और वन विभाग के आला अधिकारियों के नियम कानून लागू होते हैं। एक कहावत कहते हैं कि खाता ना बही, और जो वन विभाग के आला अधिकारी कहें वही सही, क्योंकि अपनी आँखों से देखा नहीं जाता है। अपने आप उनको परमिट दे दिया जाता है, और जबकि ये जो आम की जड़ें दिखाई दे रही हैं ये बिना परमिट के रातों रात चोरी से काटे गए हैं आम के पेड़। और वहीं पर सरकार जहां एक तरफ पर्यावरण की सुरक्षा दृष्टि से पर्यावरण लोगों के अच्छी हवा और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जगह जगह पेड़ लगवा रही, करोड़ों रुपये खर्च कर रही है और पेड़ लगाने की बात कर रही है, वहीं पर वन विभाग के आला अधिकारी और पुलिस मिली भगत से इन पे आरा चला कर धराशायी किया जा रहा है लकड़कट्टों के द्वारा। वहीं पर किसी कार्यकर्ता के द्वारा विधायक शेवता के लोकप्रियजन नायक के पास शिकायत आई, और शिकायत आने पर तत्काल पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि मद्देनज़र रखते हुए तत्काल संज्ञान लिया गया, और संज्ञान लेते ही उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, और विधायक के संज्ञान लेते ही आला अधिकारी और अधिकारियों वन विभाग के और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में वहीं एक कहावत कहते हैं कि वही चोर और वही डोली के साथ वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है कि विधायक श्योता के संज्ञान लेते ही एक दिन पहले इन पेड़ों पर जुर्माना करा दिया गया, और जुर्माना कराने के बाद इतश्री कर ली गई। वहीं पर विधायक श्योता ज्ञान तिवारी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि बड़ी कार्रवाई करने की बात कही और मामला यूं ही ठप नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार की मंशाओं पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और वन विभाग के मिली भगत से इन पे आरा चलाया जा रहा है, जबकि इनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रखा गया है। अब देखना ये है कि क्या विधायक श्योता के जो चौकीदार हैं उनकी मेहनत क्या रंग लाएगी, या यूं ही पुलिस की मिली भगत और आला अधिकारी की मेहनत रंग लाएगी। अब देखना यह है, गर्व की बात है, लेकिन एक जुबानी चर्चा का विषय यह भी छाया रहा कि रंग तो लाई, अगर विधायक श्योता ज्ञान तिवारी संज्ञान न लेते तो जुलवाना भी न होता, लेकिन तत्काल जुलवाना भी कर दिया गया, क्योंकि वही बचाते हैं और वही फंसाते भी हैं, उन्होंने ही बचाने का काम किया है, जुर्माना कराकर इतिश्री कर ली गई है, ये वही जड़ें हैं। Dee dee dee.
सब आ गया भाई, तगड़ी खुराक ना।